A dream location. हेलो एवरीवन, दिस इज ये सारे मेरे दोस्त और वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग वीडियो. ये मेरा भाई कुलदीप और इसका नाम अजय है और ये मेरे बड़े भैया और ये आलोक है. तो हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं और आज का ट्रिप होगा गुरपा बिहार बोर्ड, जहाँ पे हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं. माउंटेन ट्रैवल है, बहुत ही शानदार आप लोगों को दिखाया जाएगा. तो चलते हैं, कंटिन्यू मेरे वीडियो. हाय करो. हाय हाय. हाँ, बहुत महंगा फ़ोन आता है भाई. मैं कभी नहीं आया था. गाइस, जिस जगह पे हम लोग आए हैं वो जगह है गजंडी रेलवे स्टेशन और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं. ये जो गुफा के फ्रंट पे लिखा हुआ है 1906, शायद ये अंग्रेज जमाने के टाइम का गुफा बना हुआ है. और अभी हम लोग बस कटवा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं एंड अगला स्टेशन आने ही वाला है हम लोगों का. ओ वाव यार, इधर तो खेत लगे हुए हैं. कुछ ज़्यादातर खेत लगे नहीं हैं, फिर भी खेत लगे हुए हैं. इधर बस कटवा साइड में पूरी की पूरी हरियाली छाई हुई है, जुताई हुई है. ओ वाव, अच्छा है. तो गाइज, हम लोग गुरपा पहुंच गए हैं और ये हमारा ट्रेन था धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस और अभी यहाँ से हम लोग गुरपा में उतरे हुए हैं. ये गुरपा और अभी हम लोग जाने वाले हैं माउंटेन पे, गुरपा पहाड़. तो गाइज, अभी हम लोग माउंटेन की तरफ निकल रहे हैं और हमारे साथ आलोक, राहुल भैया, कुलदीप और अजय. तो ये लोग जाएंगे अभी ये रास्ते से होते हुए. आ जा यार, तू भी मेरे कैमरे. अकेला बच गया यार, देखो. हाय भाई. ये कुलदीप और ये अजय. भाई तुम लोग भी हाय करो ना यार एक बार कैमरे. हेलो. चलो गाइस, चलते हैं फिर हम लोग अपने ट्रिप पे. यार कुलदीप, एक बात बता, साइकिल साइकिल लाए रहते तो कम बन जाता है. हाँ भाई, साइकिल लेके आना चाहिए यार. अब बताओ, इतनी दूर पैदल जाना यार. वैसे भी रास्ता पतला पतला रास्ता है, चलाने में भी मजा आता है बहुत ज्यादा. जाना है हम लोगों को, राइट नहीं जाना है, यहाँ से इधर जाना है. इधर ही जाना है ना? इधर ही जा रहे, चलो ना. हाँ चलते हैं. कौन सा स्कूल है यहाँ पे? देखते हैं स्कूल की वीडियो बनाते हैं. यार देखो, हमारे गांव में ना अभी तक गरीबी बची है हमारे देश में. कौन सा गांव है? पूछेंगे कौन सा गांव. लाइन की भी सुविधा नहीं है. लाइन की सुविधा होगी ना यहाँ पे? कौन सा गाँव है चाची? ये नहीं, गाँव कौन सा है? ये कठौती टोला. अच्छा, और अभी इधर ही से जाना है ना आगे पहाड़ पे? ओके ठीक है चाचा, थैंक यू. तो गाइज, ये गांव का ये स्कूल है और अभी हम लोग को इधर से सीधा जाना है और ये इस गांव के ये बच्चे. हाय बच्चों, कैमरे में हाय करो एक बार. सारे लोग हाय करो. छोटी हाय करो. हाय हाय. शर्मा गए बच्चे. हाँ रुक जाओ भाई, मैं भी जाऊंगा. देखो गाइस, कितने छोटे छोटे घर है यार. हमारे पुराने घर की याद आती है ऐसे में. ओ माय गॉड. तो गाइस, ये रास्ते जहाँ तक जाएंगे ये पतले रास्ते, ऐसे सीधे ही जाना है हम लोगों को. भाई रास्ता सही चाहिए. हाँ इधर से जाना है गाइस.
यार पारसनाथ के ट्रिप पे पता क्या हुआ था, जंगल में चल रहे थे, मुझे लगा ना यार कि इधर अंगूर वगैरह फड़ता है क्या, तो अंगूर समझ के मैंने ना उसे खा लिया। अब मेरा जीव इतना खुजलाने लगा यार मत पूछो, अब मेरे वजह से मेरे भैया ने खाया और भैया के वजह से बच्चों को देखो ना बच्चों को आदित खाया। ओह माय गॉड। तो गाइस वहां पे जाना है हम लोगों को, बस जहाँ से कूदेगा वहां से मत फिसलियो। देसी बंदे यार कूदो। मैं तो भाई नहीं कर रहा। भैया कूदना मत कहीं पानी में गिरे तो सारा। भैया रिस्क मत लो, शूज खोलो। फोन दे दो मुझे, फोन दे दो मुझे, फोन दे दो लाओ। हाँ बहुत महंगा फोन आता है भाई। भाई रुक जाओ यार, वो बच्चे कहाँ गए, बच्चे डर से भाग गए। गाइस ये ट्रिप प्लान हम लोगों का अचानक हुआ है, और इन बंदों ने ट्रिप प्लान कल किया था, और आज मैं जब स्टेशन आया तो मुझे अचानक पता चला कि यार ये लोग ट्रिप पे जा रहे हैं गुरपा। तो मुझे अचानक पता चल गया कि भाई लोगों ने ट्रिप, भाई सुबह तो कुछ नहीं खाया सारा, इधर एक दुकान भी नहीं मिल रहा भाई, क्या खाएंगे पता ही नहीं चल रहा। पहाड़ जंगल में इसको दुकान कहाँ से, दुकान तो मिली यार, भूख नहीं रहा मतलब भूख सहन नहीं होती मेरे से। पारसनाथ वाली ट्रिप भी होती ना तो शायद उसमें मिल जाती दुकान। हाँ भाई खाना है क्या है भाई, मैं चार रोटी है। जानवर वगैरह भी यहाँ पे चर रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में इस जंगल में। गाइस अभी हम लोग बिहार बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और हम लोग को जाना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर, वहाँ पे जाने को आने का इच्छा बिल्कुल नहीं करेगा ना। वाह बुद्ध भगवान के अस्तित्व है ना यहाँ पे, बहुत दूसरे दूसरे देश के लोग भी आते हैं ना यहाँ पे। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, मलेशिया का आता है, जापान का आता है, रूस का आता है। अच्छा बहुत दूर दूर के उधर से आते हैं, नेपाल का आता है। अच्छा श्रीलंका का आता है, ताइवान, मलेशिया, जापान, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका, इधर इधर के लोग आते हैं इस जगह पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बुद्ध भगवान का अस्तित्व है, और बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो जो भी देश है वो यहाँ पे सारे लोग आते हैं। गाइस ये पहाड़ के जस्ट साइड में ही एक छोटी सी नदी है, और ये बाबलो फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, और अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। पता नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सीढ़ी है ना। तो गाइस अब हमारा यहाँ से सफ़र स्टार्ट होने वाला है, 10 बजे यहाँ से स्टार्टिंग है। तो गाइस ऐसे ही करके आप लोगों को भी जाना पड़ेगा सीढ़ियों पे ही, सेम जैसे पारसनाथ का ट्रिप हमने कंप्लीट किया था ना वैसे ही है। यहाँ से वहाँ तक जाना है अभी, लोखंडे लोखंड वाले। गाइस इतनी दूरी तय करने के बाद आप लोगों को ये लेटर में मिला हुआ, पता नहीं चाइनीज है, वियतनामीज है, जापानीज है, आई डोंट नो गाइस, कुछ तो लिखा हुआ है। गाइस अगर आप ऐसे फॉरेस्ट में माउंटेन के ट्रिप में अगर जंगल में आपको कुछ खाने जैसी चीज़ें दिखे ना प्लीज मत खाना, बहुत जहरीला, बहुत रिस्की हो सकता है। हो गया भाई हालत खराब हो गई है भाई इतनी दूर में। आप लोगों को जंगल में ऐसे ऐसे फल जैसे चीज मिलेंगे दिखने को, तो प्लीज गाइस इसे मत खाइएगा। गाइस यहाँ पे रेड पेड़ भी है, वो अंदर जाके थोड़ा सा पत्थर में पानी जमा हुआ। चलो चलो आगे चलो। अब क्या दीवार है, वाह। हम लोग वहाँ से आए, और जो लंबा सा दिख रहा है वो ट्रेन जा रही है, वो है गुरपा स्टेशन, और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। भाई ये गंदी पानी पड़ी इसके अंदर। ओह माय गॉड। हट इसमें देखिए।
बहुत दूर तक पहुंचे हुए, अभी दूर दूर तक लगता बादल ही बादल है। नहीं है लग रहा ना ऐसा ही। आ जाओ जल्दी आ जाओ, यूपी वाले आ चुके हैं, इधर पानी नहीं मिलेगा। चलो गाइस, यहाँ का पहाड़ देखो इतना बड़ा है, ये हम नीचे और ये पहाड़ इतना बड़ा। हालत खराब हो गई सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते। यार मैंने ना डिसाइड किया है, अगर मेरी फॉरेनर फ्रेंड लोग आएगी ना तो मैं उन लोगों को ऐसे ही पहाड़ों पे चढ़ाऊंगा। आपने डिसाइड किया आएगी या आएगा? आएगी आएगी, क्योंकि मेरी सारी फॉरेनर फ्रेंड ना फीमेल ही है। अच्छे से चलना, फिसलना नहीं। हाँ चलो चलो, क्या छोटे गुफा। चलो चलो आगे चलो, इधर नहीं गिर गया नीचे तो। कैसी जगह है, मतलब यहाँ से ऊपर चलना, ऊपर क्या करेगा, इधर ऊपर चल। हाँ हाँ चल रहे, चमगादड़ है ना, आराम से चलियो, हल्ला मत करना। गुफा है ना यहाँ पे, अरे चलना इधर से जाना है क्या। ओ माय गॉड, इतना डर लग रहा था अंदर ना, क्या बताऊं यार, कैसे लग रहा था। आप वीडियो बनाए पूरा? हाँ चल ठीक है। अभी हम लोग इधर से आए और अंदर बहुत ज्यादा चमगादड़ रहते हैं। प्लीज गिव बी केयरफुली गाइस, आगे चलो आगे चलो। हालत खराब हो गई। तो गाइज अभी हम लोग गुरपा पहाड़ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो व्यू थे, जो यहाँ पे व्यू थी वो व्यू कुछ ऐसी है, बिल्कुल गोल्डन कलर में है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वंदनी माँ कश्यप के भंते गुरपा गिरी में रहने वाले, मतलब जो यहाँ इनका अस्तित्व है वो महाराज कश्यप जी का है और बुद्ध भगवान का यहाँ पे अस्तित्व है, इस वजह से यहाँ पे विदेश विदेश के लोग आते हैं, ट्रेवल करते हैं। जगह ऐसी है यहाँ की, और अभी हम लोग ऊपर भी जाएंगे और यहाँ का बैकग्राउंड व्यू देखना अगर चाहते हैं तो गाइज ये बैकग्राउंड व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही डेंजर। तो गाइज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेवल करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे अलोन ना आए, मतलब अकेला,
और ग्रुपिंग में ही आए क्योंकि जो अकेला आएगा तो उसकी हवा टाइट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ देर पहले हम 5 बंदे हैं यहाँ पे और 5 बंदों की हवा टाइट हो गई थी। ये गुफा था, नीचे अंधेरा बिल्कुल और चमगादड़ों की आवाज थी यहाँ पे। पे हम लोग को जाना पड़ रहा है दोस्तों भाई, लेकिन ये बताओ ये ना असली वाली ट्रिप हुई है, सच्ची मजाक में असली वाली ट्रिप हुई। अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, पारसनाथ से भी बेटर लगता है, बेटर है वहां से भाई। और जब पता है जब पूरा शांत हो ना तभी आओ। हाँ गाइज, यहाँ पे शंकर भगवान, पार्वती जी, गणेश भगवान, कृष्णा, राधा, विष्णु भगवान, हनुमान जी सबकी है यहाँ पे फोटोज लगी हुई। और यहाँ पे किनका कदम है आई डोंट नो, बट भगवान बुद्ध की होगी यहाँ पे। और दूसरे वाले गेट में गणेश भगवान जी हैं, दुर्गा माता जी हैं, काली माँ हैं, जिनका शर कटा हुआ वो शायद गणेश भगवान जी हैं। और तीसरी वाले गेट में माता जी हैं, शायद उनके कदम भी हैं यहाँ पे। और ये हनुमान जी हैं यहाँ पे, और ये भोलेनाथ का शिवलिंग है यहाँ पे। जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून ना भाई ट्रिप लेने में है भाई, जिंदगी बहुत छोटी है। रवाना हो रहे अपने ट्रेन स्टेशन के लिए क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो ही रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से उतर के सीधा हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गाइस नीचे। चलो 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 बोले चलो। तो गाइस हम लोग यहाँ यही गुफा से हम लोग वापस आए थे और जाना है इसी गुफा से।
रास्ता है। ओ माय गॉड, इतना मतलब गुफा में मैं कभी नहीं आया था, इतना अभी आ रहा हूँ, है ना। मेरे बैकग्राउंड में देखिए गाइस, इतना पतला गुफा, चढ़ने में एक घंटा, चढ़ने में एक घंटा और नीचे उतरने में 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, अंडरस्टैंड। तो चलो आजा, पानी बॉडी से निकल गया, पानी जितना सलाइन करवाया नहीं उतना निकल गया। हेलो गाइस, तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में अब, और मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे हम लोगों ने ट्रैवल किया उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे दो टेम्पल्स हैं, पहला है बुद्धिज्म और दूसरा है हिंदुज़्म। और यहाँ पे महाकश्यपा है गौतम बुद्ध के शिष्य, मतलब अंग्रेजी में स्टूडेंट और हिंदी में विद्यार्थी छात्र। तो उनके यादगार में ही बनाए थे महाकश्यपा, अपने गुरु जी की यादगार में बनाए थे ये पहाड़, और वो आखिरी समय में यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आप लोगों को 1680 सीढ़ी मिल जाएंगे और चढ़ने में एक घंटा विदाउट रुके, अगर चढ़ रहे हो तो आराम करके चढ़ोगे तो 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। और बेसिकली यहाँ से अगर डाउन होना है, नीचे जाना है, तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही पतली गुफा है, बहुत ही पतली गुफा। अगर कोई फैटी पर्सन वहाँ जाए ना तो बिल्कुल कहेगा यार मुझे वापस जाना है। तो बहुत ही सुरंग टाइप से आपने देखा ही वीडियो में कितना पतला है, और मैं पहली बार गया तो बहुत ही खूबसूरत लगा वो जगह। ऊपर जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कि यार हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए, जन्नत आ गए, सुकून की फील होती है वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है गुरपा पहाड़, और ये गुरपा में पड़ती है। और बस तो इतनी ही जानकारी है इस वीडियो के बारे में मुझे, इस जगह के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए, सब्सक्राइब प्लीज़ एंड ऑल द बेल आइकन। सी यू गाइज़।